न्यूज आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के खिलाफ साईं भक्तों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। शिरडी के बाद भोपाल में भी शंकराचार्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई है, लेकिन शंकराचार्य अपनी बात पर अडिग हैं। उनका ताजा विवादित बयान यह है कि शिरडी के साईं को पूजने वाले हिंदुओं का प्राश्चित तभी होगा जब वो एकादशी का निर्जल व्रत रखेंगे, गंगा स्नान करेंगे। साईं भक्त और शंकराचार्य की इस लड़ाई में दिलचस्प यह है कि कल तक शंकराचार्य का समर्थन करने वाला संत समाज भी अब दो फाड़ हो गया है। कुछ संतों का तर्क है कि आस्था को धार्मिक परंपराओं में जकड़ना ठीक नहीं, जिसके बाद अब बीच बहस का बड़ा सवाल यह है कि साईं भक्तों और शंकराचार्य में महाभारत क्यों छिड़ा है, साईं को लेकर संत समाज में दो फाड़ क्यों है। साईं बाबा हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, मुसलमान उसको मानते नहीं है तो हम ही क्यों माने। ये एक भ्रम है जो समाज में फैलाया गया और षड्यंत्र है। द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के विवादित बयान से साईं भक्तों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया है। इलाहाबाद में शंकराचार्य का पुतला फूंका गया तो वाराणसी के मंदिर में साईं से हाथ जोड़कर शंकराचार्य को सद्बुद्धि देने की गुहार लगाई गई। उनका जो गलत बयान है हिंदू मुस्लिमों के खिलाफ, देवताओं को लेकर, साईं बाबा के खिलाफ उन्होंने जो अपना बयान दिया है, उससे हम लोग ने जो रुष्ट होकर जो है उनका पुतला फूका है कि वो अपना बयान वापस लो, ना इससे उग्र से उग्र आंदोलन हम लोग करेंगे। हम लोग बाबा से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि अंतिम समय उनको सद्बुद्धि दें, जिससे कि और भी तरह तरह की भाषाएं बोलने का प्रयोग न करें। साईं के भक्त शंकराचार्य के खिलाफ कानूनी रास्ता भी अख्तियार कर रहे हैं। शिरडी के बाद भोपाल में भी द्वारका पीठ के शंकराचार्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई है। मैंने अपनी कंप्लेंट में आईपीसी की धारा 153 का, 153 खा, 295 का और 298 के अंतर्गत ये मामला प्रस्तुत किया है। ये सभी धाराएं आजीवंती अपराध हैं और आईपीसी में इनमें दंड का प्रावधान है। इससे पहले बुधवार को मध्य प्रदेश के जबलपुर में शंकराचार्य के समर्थक और साईं के भक्त आमने सामने आ गए थे, घंटों तनाव की स्थिति बनी रही। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी शंकराचार्य शांत नहीं है। उन्होंने एक बार फिर शिरडी के साईं के खिलाफ विवादित बयान दे दिया है। हम इस बात पर अडिग हैं कि शिरडी के साईं बाबा की जो पूजा कर रहे हैं उनको सदगति नहीं मिलने वाली है, क्योंकि अंतकाल में जिसकी जैसी मति होती है उसकी वैसी ही गति होती है। तो अगर आप मुसलमान का ध्यान करेंगे और मरेंगे तो मुसलमानों के घर में जाके पैदा होंगे। शंकराचार्य ने यहाँ तक कहा कि अगर साईं के भक्त प्रायश्चित करना चाहते हैं तो पहले एकादशी का व्रत रखें, फिर गंगा स्नान करें, तभी मुक्ति मिलेगी। कुछ लोगों ने हमसे पूछा है कि हम भूल से उनके यहाँ चले गए थे तो हम क्या करें, तो हमने कहा कि अगर भूल से चले गए हो तो एकादशी का निर्जल व्रत करो और गंगा नहाओ। शंकराचार्य स्वरूपानंद को समर्थन देने वालों की भी कमी नहीं है। शंकराचार्य के समर्थकों का कहना है कि साईं के बारे में शंकराचार्य ने जो कहा वो सच है। देखिए, शंकराचार्य जी का जो पद है इस सनातन परंपरा के अंदर सर्वोच्च पद है और जो उन्होंने कह दिया वो एक ऑर्डिनेंस की तरह वो इस सनातन धर्म को, हिंदू परंपराओं को, हिंदू समाज के लोगों को, हिंदू धर्म के लोगों को मानना के लिए एक उनका अधिकार है। लेकिन साईं भक्त अब ये गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि धर्म के कथित ठेकेदारों की दुकान चलती रहे। अपने धर्म के ठेकेदार बने बैठे, आप लोग हिंदू ठेकेदार हैं, आप अपनी ठेकेदारी बंद कीजिए, आज गौतम जी कुछ नहीं पता आपको। अब सवाल ये है कि क्या इस नए तरह के धर्म युद्ध की असल तस्वीर यही है? साईं पर बेवजह बवाल से आखिर किसका फायदा होगा? शंकराचार्य शिरडी के साईं के खिलाफ हर दिन नए बयान क्यों दे रहे हैं?
क्या शंकराचार्य साईं भक्तों को इससे भी ज्यादा उकसाना चाहते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। शंकराचार्य की ओर से जो बातें कही गई हैं उस पर बड़ी बहस होना लाजिमी है, लेकिन सवाल यह भी है कि आस्था को क्या किसी पर थोपा जा सकता है। इसी पर बीच बहस की हम शुरुआत करेंगे। तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिसका परिचय मैं आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ खुद जुड़े हुए हैं हरिद्वार से जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी। उनके अलावा शंकराचार्य प्रयाग पीठ के हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्वामी ओंकारानंद जी सरस्वती जी। इसके अलावा महामंडलेश्वर प्रज्ञानंद जी हमारे साथ अब से कुछ ही देर में जुड़ेंगे। पंडित अजय गौतम धर्म सचेतक स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ चुके हैं और संजय साईनाथ जो कि साईं बाबा के भक्त हैं वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। इसके अलावा हम शिरडी भी चलेंगे, जहां से दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक खांबेकर जो कि पूर्व ट्रस्टी हैं शिरडी साईं संस्थान के, वो मौजूद हैं। इसके अलावा संजय काले साईं भक्त, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले हम रुख करेंगे शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का ही, और मेरा पहला सवाल गुरु जी आपसे ये है कि जगह जगह आपका विरोध हो रहा है, दो जगह मामले भी दर्ज कर दिए गए हैं, इसके बावजूद साईं को लेकर जो आपने बयान दिया था क्या आप उस पर कायम हैं? तुम्ही लोग है ना स्वरूपानंद सरस्वती जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए उन तक हम कोशिश करेंगे कि हमारी आवाज जल्द ही पहुंचे, लेकिन उसके पहले सबसे पहला सवाल मैं संजय साईनाथ हापी से ले लेती हूं, क्योंकि आपके नाम के साथ ही साई का शब्द जुड़ा हुआ है। जगह जगह विरोध प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है? अगर कोई अपनी बात सामने रखता है तो उस पर बहस होनी चाहिए, विरोध प्रदर्शन पुतला फूंकना ये सब क्यों? सबसे पहले आपके चैनल पर सबको ओम साई राम। दूसरी बात यह है कि विरोध प्रदर्शन के लिए हमने तमाम चैनलों पर कहा कि साई भक्त शांति के साथ काम ले, और जो बाबा ने बताया है हमें कि सबके साथ प्यार से रहना है उसमें आप विश्वास रखें, बाबा में विश्वास रखें। ऐसी बातें आज नहीं, बहुत जब बाबा थे तब से आती रही हैं, जाती रही हैं। एक चीज मैं और आपको बताऊं कि अभी अभी मैं गुरु जी को सुन रहा था, शंकराचार्य जी को, जिन्होंने कहा कि अंत काल में जो जैसा सोचता है वैसी गति को प्राप्त होता है। तो जब ये बात वो जानते हैं, वो कह रहे हैं, तो ये बात उन्हें भी सोचना चाहिए, उन्हें भी अच्छी बात करनी चाहिए, समाज को जोड़ने की बात करनी चाहिए। धर्म, देखिए धर्म क्या होता है, धर्म का मतलब क्या है कि धर्म दो, मेरे हिसाब से धर्म दो प्रकार के होते हैं, एक निजता और दूसरा सामुदायिक, एक इंडिविजुअल होता है और दूसरा यूनिवर्सल होता है। मेरा सवाल यह है कि विरोध प्रदर्शन क्यों? अगर विरोध 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 प्रदर्शन नहीं हो, देखिए विरोध शंकराचार्य की बात आपको भी पता है कि साईं भक्त को मानने वाले जितने हैं तकरीबन उतने ही शंकराचार्य को भी मानने वाले होंगे, और ये परंपरा सदियों से चली आ रही है हमारी। माने माने साई बाबा को भी माने, शंकराचार्य को भी माने, सनातन धर्म को भी माने, किसी भी धर्म की अनादर नहीं होनी चाहिए, सबको अपनी अपनी बातें रखने का अधिकार है। लेकिन शंकराचार्य जी के विरोध क्यों हुए, कब हुए? सबसे ज्यादा विरोध उनके इस बात पे हुए कि साईं बाबा की पूजा करने वाले गंगा में स्नान ना करें, ओम का जाप ना करें, राम ना कहें, और इस तरह की जो बातें उन्होंने कही। वो अगर वो ये कहें कि जो साईं बाबा की पूजा करते हो साईं बाबा की पूजा करें, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है, वो अपने धर्म की अपनी जो जिस चीज में वो इन्वॉल्व है, शंकराचार्य है जिस बात के। देखिए गौतम जी, क्या आप उनकी बातों से इत्तेफाक रखेंगे? किनके? इन्होंने जिस तरह से कहा है कि वो अपने जिन लोगों को मानते हैं उनकी भी पूजा करें और जो साईं बाबा को मानते हैं। देखिए चित्रा जी, बड़ा स्पष्ट सवाल है। श्रद्धेय जगतगुरु शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात शुरू करता हूं कि आंध्रा हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया जिसकी साइटेशन है AIR 1991 AP 253, पेज नंबर 253, पैरा नंबर 8 के अंदर आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने एक जजमेंट में लिखी। कुछ और किया, देखिए आप बीच में मत बोलिए, देखिए ये बिल्कुल गलत है, इन्होंने बोला किसी ने कुछ भी बोला किया था। ये क्या, अगर ऐसा डिबेट करेंगे चित्रा जी, इन्होंने बोला हमने सुना ना, तो हमें तो अपनी बात कहने दीजिए ना। आप श्रीमान थोड़ा धीरे बोले, आपके बगल में बैठो, आप बगल में बैठो, बगल में बैठ के जो बकवास करेंगे उसको सुनने के लिए हम सुन लेंगे। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की जजमेंट है, कुछ और किया आंध्र, वो एंकर तय करेंगे, आप स्टूडियो को रूल करोगे।
आप इस स्टूडियो को रूल करोगे? कोशिश करते हैं। अजय गौतम जी बताइए। मेरे को बात मैं कह रहा हूँ, एक जजमेंट की बात कर रहा हूँ। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है जिसका साइटेशन मैंने आपको बताया। उसके पैरा नंबर 8 के अंदर लिखा गया कि जो साईं बाबा थे वो जो थे वो तो ना तो हिंदू फिलॉसफी के थे, ना मुस्लिम फिलॉसफी के थे, ना क्रिश्चियन फिलॉसफी के थे। उन्होंने एक अपनी डिफरेंट आइडियोलॉजी करी। और इस केस के अंदर जो था जो हाई जो एक एक्ट है उस एक्ट का नाम मैं आपको बता देता हूं, उस जिससे सारा जो कंफ्यूजन है वो भी क्लियर हो जाएगा। द आंध्र प्रदेश चैरिटेबल एंड हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एंड इंडोर्समेंट अमेंडमेंट एक्ट 2007 जी, जिसमें स्पष्ट लिखा है कि जो हिंदुओं हैं, जो सनातन परंपरा के लोग हैं, उनके जो मंदिर हैं वो उस एक्ट के अंदर कवर होते हैं। और आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने क्लियर कहा कि जो साईं बाबा हैं वो हिंदुरिज्म में नहीं आते, उनके जो मंदिर है वो इस हिंदुरिज्म के एक्ट के अंदर कवर ही नहीं होते। जब आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने कोशिश कर रहे हैं, जब आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने क्लियर कह दिया कि जो शिरडी के साईं बाबा है वो हिंदुइज्म में नहीं आते, तो आप उन्हें हमारे हिंदुइज्म के मंदिरों के अंदर, सनातन परंपराओं के मंदिरों के अंदर मिला मिला के आप क्यों धर्म के साथ घालमेल कर रहे हैं? शंकराचार्य जी ने जो बात कही है वो वास्तव में उनका अक्षर साक्षर सही है और ब्रह्म वाक्य है। शिरडी साईं संस्थान के पूर्व ट्रस्टी बने हुए हैं अशोक खांबेकर जी। अशोक जी, बकायदा कोर्ट के तर्कों के आधार पर ये बातें अजय गौतम की ओर से कही गई हैं और उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि सनातन धर्म में इस बात का जिक्र ही नहीं है, इस पर आपकी टिप्पणी। नहीं तो आज बंद है ना, आप तक आवाज पहुंच रही है क्या मेरी? चलिए अशोक खांबेकर जी के पास हम चलेंगे, लेकिन उसके पहले हमारे साथ दो खास मेहमान बने हुए हैं। स्वामी ओंकारानंद जी, आपसे ये मेरा सवाल है और महत्वपूर्ण सवाल है, जो बातें यहां पर रखी गई हैं अजय गौतम की ओर से, लेकिन क्या आस्था तर्कों पर हमेशा भारी नहीं होती है? क्योंकि करोड़ों साई भक्त हैं इस देश में और बार बार वो बाहर निकलकर अपनी आस्था को प्रकट कर रहे हैं। ऐसे में ये कहा जाना कि साई को मानने वाले अगर अपना शुद्धिकरण चाहते हैं तो गंगा में डुबकी लगाएं, कहां तक जायज है? नहीं, देखिए शंकराचार्य जी ने बहुत अच्छी बात कही है जी। अगर कहीं से किसी की आस्था इस प्रकार की हुई है कि किसी को मानने लगा है और साईं बाबा के प्रति अगर भावनाएं जागी हैं तो कोई बात नहीं है जी। लेकिन सनातन धर्म के अंतर्गत कहीं भी शास्त्र वेद पुराणों में साईं बाबा को भगवान मानने का या किसी ऋषि मुनि परंपरा में जो इस कलयुग में जन्मेंगे उनको भगवान मानने की कहीं कोई प्रणाली विद्यमान नहीं है। शास्त्र जो कहता है हम लोग इसको इसी आधार पर मान करके इस कलयुग में भी देवी देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा या मूर्ति स्थापना करते हैं जी। सनातन धर्म के मंदिरों से साईं बाबा की प्रतिमा का लगाना कहीं ना कहीं एक अनैतिक सनातन धर्म के लिए तो है जी। अब ये उनकी आस्था पर निर्भर करता है, जो उस मंदिर के ट्रस्टी हैं, मंदिर के पुजारी हैं, उनके यहाँ मोहल्ले में रहने वाले लोग हैं, उनको ये चाहिए कि ऐसा कोई कार्य न करे। अगर आज सनातन धर्म के मंदिरों में साईं बाबा की स्थापना हो रही है तो कल फिर गुरुद्वारे में भी करें, कहीं जाकर मस्जिद में भी करें, कहीं जाकर के चर्च में भी करें, ऐसा तो कदापि हो नहीं सकता है जी। मैंने स्वरूपानंद जी की बात का सिर्फ एक रूप से मैंने उनकी बात को नकारा था और आज भी नकार रहा हूं कि जिस तरीके से हम लोग कह रहे हैं, जिस तरीके से वो चाह रहे हैं, उस तरीके से कहने से कहीं ना कहीं विवाद हो सकता है। हमें एक तरीका स्थापित करना है कि हमारे सनातन धर्म में शास्त्र पुराण के अंतर्गत कहीं भी किसी भी देवी देवता के अलावा किसी ऋषि मुनि परंपरा को जो कलयुग में अवतरित होंगे उनकी स्थापना पूजा पद्धति कहीं नहीं लिखी हुई है। इसलिए सनातन धर्म के अंतर्गत साईं बाबा भगवान लेकिन नहीं आते हैं। हम सब ये भी जानते हैं कि जितने भी हमारे पुराण हैं, चाहे शिव पुराण उठा लें, विष्णु पुराण, देवी पुराण, उन सब में अलग अलग बातों का जिक्र है और उसमें उत्पत्ति भी अलग अलग रूप में बताई गई है। इस बात को भी हम आपसे समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके पहले अजय गौतम जी कुछ दिखाना चाह रहे हैं लैपटॉप जी, बताइए। आप देखिए जो हमारे दुनिया में सबसे ज्यादा पूजनीय है ब्रह्मा विष्णु महेश, जो भगवान शिव है, किस प्रकार से भगवान शिव के चित्र के साथ छेड़खानी करके उनका कंपैरिजन देखिए। अब आप देखिए क्या क्या नहीं, क्या आप मुझे बताइए क्या ये हमारी धार्मिक भावनाओं से छेड़खानी नहीं है? तो हमारे ट्रस्ट ने निकाला है, क्या आप मुझे ये बताइए साईं बाबा फोटो ये कहां से लाए? आप मॉडिफाई करके लाए होंगे? आप देखिए साईं लक्ष्मी दिखाता हूं, साईं बाबा फाउंडेशन, साईं बाबा के नाम से बहुत सारे फाउंडेशन है। ये देखिए हमारे शिरडी साई ट्रस्ट ने निकाला है क्या इस फोटो को? क्या हमारे जवाब दीजिए, आप मेरी जवाब दीजिए। कल कह रहे थे शिव साईं बाबा, फोटो शिव साईं बाबा आप बना के लाए होंगे अपने पास से? आप विवाद बना के लाए होंगे,
इस बात को कैसे, ये क्या प्रमाण है? बनाकर लाया हूँ तो आप मुझे चैलेंज करिए ना, आप मुझे कोर्ट में चैलेंज करिए, साईं बाबा की आप मुझे कोर्ट में चैलेंज करिए, कोर्ट में क्यों चैलेंज करूं, आप मुझे कोर्ट में चैलेंज करिए ना, मैं आपको बताऊंगा इसी जगह पे चैलेंज कर रहा हूं। क्या सिटी साईं बाबा संस्थान ने ये फोटो निकाला है? आप कोई भी बात मानेंगे, आप कोई भी बात कहेंगे, जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं हमारे दशावतारों में, अजय गौतम जी आपके दशावतार, जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं हम जानेंगे, आप इसकी प्रामाणिकता भी बताएंगे। आप जो बात करते हैं गौतम जी, इसकी प्रामाणिकता क्या है अगर आप ये बता देंगे तो ज्यादा अच्छी रहेगी। लेकिन एक और चीज, लेकिन एक और चीज है संजय जी, आप बात सुन लीजिए। इस तरह की कुछ तस्वीरों को लेकर जो जानकारी हमारे पास आई है, शंकराचार्य के जो शिष्य हैं अभिमुक्तेश्वरानंद, उनकी ओर से कहा गया है कि वो कोर्ट का रुख करेंगे। हमारे पास ये जानकारी हमारे सीडी ट्रस्ट ने इस फोटो निकाला है, अगर सीडी ट्रस्ट ने निकाला है तो उसका जवाब देंगे हम। सीडी ट्रस्ट क्या, साईं बाबा के सीडी ट्रस्ट के बोलिए, लेकिन अजय गौतम जी की प्रामाणिकता को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। दूसरे साई बाबा की बात करते हैं ये फालतू की बात करते हैं, फालतू के लिए मैं तो आपको प्रत्यक्ष प्रमाण दे रहा हूं, पहले जानिए, मैं तो आपको प्रत्यक्ष प्रमाण दे रहा हूं। सीरडी ट्रस्ट और ये लेकिन लड़ना किसी चीज का हक नहीं होगा ना जी, बात सुनिए जी, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, सीरडी ट्रस्ट साईं बाबा की पूजा करता है, साईं बाबा की जितनी भी आरती है उठा के देख लीजिए, उस आरती में हम किसी भगवान का नाम लेते हो। दरअसल आपत्ति इन लोगों को इस बात पर है कि साईं के साथ सदगुरु की आराधना करते हैं, शिव साईं तरह का इस आप खामेकर जी हैं लाइन पे, आप पूछिए, हम सीधे शिरडी ही चलते हैं, हम सीधे शिरडी का रुख कर लेते हैं। अशोक खामेकर जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन उसके पहले हमारे साथ प्रज्ञानंद जी भी बने हुए हैं, और प्रज्ञानंद जी महत्वपूर्ण सवाल यही है, आस्था को क्या, तमाम तर्कों के आधार पर हमने देखा है आस्था हमेशा भारी रहती है, आपको लगता है आस्था किसी पर थोपा जा सकता है? आस्था और तर्क का 3 और 6 का आंकड़ा है जी, आस्था में तर्क की कोई गुंजाइश नहीं, बिल्कुल, श्रद्धा में तर्क की कोई गुंजाइश नहीं, विश्वास के साथ तर्क का कोई नाता नहीं, और जब आस्था प्रबल होती है तो वो भगवान भी प्रकट हो जाते हैं। भगवान राम ने कहा है हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना, प्रेम से प्रकट हो जाते हैं राम, आस्था में इतनी ताकत है, वो आस्था जो मीरा के साथ गिरधर गोपाल नाचते हैं, वो आस्था जो राम किसी परमहंस के समाना, प्रेम से प्रकट हो जाते हैं राम, आस्था में इतनी ताकत है, वो आस्था जो मीरा के साथ गिरधर गोपाल नाचते हैं, वो आस्था जो राम किसी परमहंस के साथ काली उनके हाथ से भोजन करती है, ये आस्था ही है, आस्था में मीरा भगवान कृष्ण में समा गई, ये आस्था है। तो आस्था कितने संतों के नाम मैं आपको लूं, एक बात, दूसरा घट घट ये कहा है कबीरदास ने, घट घट मोरा साइया सूना घट नहीं कोए, बलिहारी हुआ घट की जागत प्रकट हो, उस घट में जिसकी बले उसमें प्रकट हो जाते हैं, इसे कौन छुएगा उसकी परछाई, जिसको बचाने वाला साई, तेरा साई तुझ में जो वन में बास, वो कस्तूरी का मृग फिर से सूखे घास, और तेरा भाव तो रामचरित मानस में साई शब्द आया है, सिंहासन उत्तरकांड में आता है, सिंहासन पर त्रिभुवन साई देख सुरन दुंधी भी बजाई, जब भगवान राम को सिंहासन पर देखा तो देवता ने दुंधी बजाना शुरू कर दी, कहने का मतलब ये साई शब्द प्राचीन है, अरबाचीन नहीं है, पर बाबा का नाम जन्म का समय साई नहीं था, ये तो मालसापति जो जब सिरडी में जब वो आए तो उन्होंने उनको आओ साई कहकर संबोधित कर दिया, बस वो साई बन गए। वैसे तो उनके बारे में जो चैनल लुक गई है उनके उनके जन्म स्थान पर पाथरडी में, तो उनका नाम हरिभाव था, जन्म का नाम, 4 वर्ष तक वो घर में रहे, इसके बाद 12 वर्ष तक गुरु के पास रहे, 16 वर्ष की अवस्था में शिरडी आए,
तीन वर्ष लेने के बाद बाहर चले गए, फिर एक वर्ष के बाद आए, तो 20 वर्ष से लेके 80 वर्ष की आयु तक 60 वर्ष तक सिरडी में रहे, और सिरडी में रहकर उन्हें पानी से दिए जलाए, सिरडी में रहकर उन्हें अष्टांग योग की साधना की, सिरडी में उनके शरीर के अंग अलग हो जाते फिर जुड़ जाते थे, और उन्होंने जब देव साहब ने उनको बुलाया अपने माता जी के उद्यापन के समारोह में तो साधु बन के पहुंच गए, और जब मैना ताई को जब प्रसव वेदना हो रही तो घोड़े बाले बनकर तांगे बाले बनकर वहां पहुंच गए। ऐसी अनेक घटनाएं हैं उनके जीवन की, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपकी ओर से दी गई है, लेकिन उसके पहले हम आ जाते हैं क्योंकि बहुत कुछ भड़काने वाला बयान भी आ रहा है। और अजय गौतम जी, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, साईं बाबा की जो लोग पूजा करते हैं वो एकादशी का निराजल व्रत रखें, गंगा में डुबकी लगाएं, तब उनको मोक्ष की प्राप्ति होगी। आपको नहीं लगता है कि इस तरह का बयान अगर दिया जाएगा तो उससे लोगों की भावनाएं भड़केंगी? क्या भड़काने का काम भी किया जा रहा है आप लोगों की ओर से कहीं ना कहीं? इतना जी वो बयान किसके लिए? हमने कहा कहा, हमने कभी कहा कि हमारा साईं बाबा से कोई विरोध है? हमने कभी कहा कि उनकी पूजा मत करिए? हमने कभी नहीं कहा, ना शंकराचार्य जी ने कहा, उन्होंने उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि उन्होंने कहा वो भगवान नहीं है, उनकी पूजा ना की जाए, धर्म को मिलाइए, धर्म को मत मिलाइए। हमारी एक ही प्रार्थना पूरे देश से, जो साईं बाबा को मानते हैं वो उनको मानिए, लेकिन हमारे सनातन परंपरा के देवी देवताओं के साथ मत छेड़खानी मत करिए। अजय गौतम जी, लेकिन अगर मेरी बात आप सुन पाए, आपने बहुत वेद और पुराणों का अध्ययन किया होगा, थोड़ा मैं भी पढ़ के आ रही हूँ। शिव पुराण में इस बात का जिक्र है कि विष्णु और ब्रह्मा की उत्पत्ति भगवान शिव ने की, विष्णु पुराण में जिक्र है कि विष्णु जी ने उत्पत्ति की, ऐसे ही ब्रह्म और देवी पुराण में है। जितने हमारे वेद हैं उनमें भी अलग अलग बातों का जिक्र किया गया है, और ज्यादातर कल्पना के आधार पर किया गया है। साईं बाबा तो इस आधार पर कि अगर हम किसी को शंकराचार्य के पैदा होने के पहले के हैं, भैया कल्पना के आधार पर लीजिए मेरी बात को, अब मैं कह रहा हूँ आप सुनिए मेरी बात को, शंकराचार्य जी वो हमारे श्रद्धेय है, कुछ नहीं है, लेकिन उनसे पैदा होने के पहले की बात है। चलिए, हमारे साथ अशोक खांडेकर जी जुड़े हुए हैं, बहुत देर से उन तक आवाज नहीं जा रही थी, एक बार चल सकते हैं उनके पास जी, एक बार हम चलते हैं उनके पास, उनकी बात को भी समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन 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 अजय जी, एक बिल्कुल अजय जी, एक और महत्वपूर्ण बात है, जिस सनातन धर्म का हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, दरअसल उसकी सच्चाई भी बताने की जरूरत है। सनातन न जिसका आदि है न अंत है, उसको जो अनादि है अनंत है, जो अपौर से है वो सनातन बना दिया है। अगर आप छोटा नहीं बनाया करने की बात करते हैं, अशोक खांडेकर के पास हम चलते हैं, मैं आती हूँ आपके पास, इस सवाल के बाद में आती हूँ, अशोक खांडेकर के पास हम चलते हैं। एक जगन्नाथपुरी में नहीं देता, मंदिरों में जाने के बाद पुरातन मंदिरों में कपड़े नहीं पहनते, एक बार हम चल सकते हैं, फिर मैं आती हूँ। दुकानदारी की हुई है, अशोक खांडेकर जी सीधा सा सवाल आपसे मेरा ये है, नक्सलवाद है, अजय गौतम जी जरा हम दूसरों की बातों को अजय गौतम जी, मैं आती हूँ, मैं आ रही हूँ आपके पास, मैं चाहूंगी अगर आप दोनों लोग शांत हो जाएं तो एक बार हम शिरडी चल सकते हैं, इतना महत्वपूर्ण ये मामला। अशोक खांडेकर जी, शंकराचार्य जी की ओर से कहा गया है कि साईं बाबा के जो मानने वाले हैं, अगर वो चाहते हैं मोक्ष की प्राप्ति करना तो गंगा में डुबकी लगाएं, एकादशी का निर्जल व्रत करें, तब जाकर उनको मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस पर आपकी टिप्पणी। साईं बाबा ये सर्व धर्म संभव के संत थे, और साईं बाबा ने अपने जीवन काल में कभी भी किसी को कहा नहीं कि गंगा में जाके डुबकी लगाओ, तपश्चर्या करो, पूजा अर्चा करो। बाबा ने कहा कि मानवता का सम्मान कीजिए, और बाबा का जन्म के बारे में अभी मुझे लगता है कि स्वामी जी ने कहा कि उनका जन्म पाथरी में हुआ है, लेकिन बाबा ने कभी भी किसी को बताया नहीं मेरा जन्म कहाँ हुआ है। बाबा पाथरी में, और बाबा का पहला नाम हरिभाव था, ये भी गलत है, ऐसे किसी कहीं भी लिखा हुआ नहीं है, किसी चरित्र में भी नहीं है, हरिभाव नहीं है, ये स्वामी जी ने जो कहा है ये गलत है। साईं बाबा के बारे में कुछ और बातें भी हम आपसे समझने की कोशिश करेंगे, माफी के साथ रोकूंगी, एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है, लेकिन जब वापस लौटेंगे तो ताजा बयान शंकराचार्य की ओर से क्या कुछ दिया गया है जिसके बाद भावनाएं भड़क सकती हैं लोगों की, सुनाएंगे आपको, आप कहीं मचाए। अहम ब्रह्मास्मि और तत्वमसि, सनातन धर्म में ये इस बात का जिक्र किया गया है कि मैं भी ब्रह्म और तुम भी ब्रह्म। बावजूद इसके अब बड़ी बहस इस बात को लेकर छिड़ी हुई है कि साईं को माने न माने, वो भगवान थे नहीं थे, और इसको लेकर बड़ा बवाल भी मचा हुआ है, क्योंकि सीधे सीधे साईं की सत्ता को चुनौती दे रहे हैं शंकराचार्य, और अब तो बकायदा उनकी ओर से कोर्ट जाने तक की भी बात सामने आ चुकी है। लेकिन क्या कुछ नया बयान आया है शंकराचार्य की ओर से, वो सुन लेते हैं, फिर बीच बहस को आगे बढ़ाएंगे।
हमारा ये कहना था साईं भक्तों से कि अगर आपको गंगा स्नान से मोक्ष मिल सकता है तो साईं के पीछे क्यों जाते हैं। हमारा ये कहना है कि गंगा पवित्र है और गंगा स्नान से मनुष्य के पापों का क्षय होता है, पुण्य होता है, तो ये बात कहां से विदित हुई? शास्त्रों से विदित हुई। तो आप अगर गंगा को मानते हैं तो इसका मतलब है आप शास्त्र को भी मानते हैं। तो आप ये बताइए कि शास्त्र में कहां लिखा है कि चांद मियां के नाम से ईश्वर का अवतार होगा? कुछ लोगों ने हमसे पूछा है कि हम भूल से उनके यहां चले गए थे तो हम क्या करें। हमने कहा कि अगर भूल से चले गए हो तो एक एकादशी का निर्जल व्रत करो और गंगा नहाओ। सिंगली वानो एक शिष्य महाराष्ट्र में, उसने उनको भिक्षा के लिए बुलाया, उनको पता लग गया कि उनकी मजार में ये गया था। उनका तेरी यहाँ भिक्षा हम तब करेंगे जब तू निर्जल एकादशी का व्रत कर और गंगा स्नान कर। तो जितने भी शंकराचार्य हैं जो प्रामाणिक लोग हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये साईं बाबा अपना माथा क्यों बांधे रहता है, इसके भीतर भी रहस्य है। कुछ चिन्ह है उसके यहां माथे में, लोगों ने उसको देखा है, उसको छिपाए रहता है। शंकराचार्य का ये नया बयान है जिसको लेकर भी साईं भक्तों में काफी ज्यादा गुस्सा देखा जा रहा है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान बने हुए हैं। एक बार फिर से हम स्वामी ओंकारानंद जी का हम रुख कर लेते हैं। ओंकारानंद जी, ये कहना कि जो साईं भक्त हैं अगर वो प्राश्चित करना चाहते हैं तो गंगा में डुबकी लगाएं, एकादशी का व्रत करें, वो भी निर्जला, तब जाकर उनको प्राश्चित मिलेगा, आपको लगता है नहीं है कि कहीं ना कहीं आस्था को चोट करने वाला ये बयान है शंकराचार्य जी का? नहीं, देखिए, मैंने पहले भी आपसे इस प्रश्न पर उत्तर दिया और फिर से यही कहता हूं, अगर किसी की आस्था किसी से है तो उस आस्था को वो बनाए रखेगा, वो हटा नहीं सकता है। जो सनातन धर्मी है, जो शुद्ध सनातन धर्मी है, जो उस परंपरा में रहना चाहते हैं, उस परंपरा को जानते हैं, उस परंपरा में अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, वो शास्त्र की बात से ही आगे बढ़ेंगे। अगर वो शास्त्र से और शास्त्र के नियम से अलग हटकर कोई कार्य कर रहे हैं जी, तो वो अपने आप ही कहीं ना कहीं सनातन धर्मी नहीं है। अब अगर वो सनातन धर्मी नहीं है जी, तो उनकी आस्था जिसमें भी है वो उसको भगवान माने या उनकी पूजा करे, उनकी मूर्ति बनाए, वो उनकी आस्था पर निर्भर करता है। जहां तक ये स्पष्ट है कि आदि गुरु शंकराचार्य को भगवान माने या उनकी पूजा करे, उनकी मूर्ति बनाए, वो उनकी आस्था पर निर्भर करता है। जहां तक ये स्पष्ट है कि आदि गुरु शंकराचार्य की परंपरा में आए हुए स्वरूपानंद शंकराचार्य जी ने जो बात अपनी वक्तव्य को कहा है, उसका तरीका भले ही चोट पहुंचाने वाला साईं भक्तों को है जी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं सीधे ये कहा गया कि उनको भगवान ना माने। हमारे यहां शास्त्र वेदों पुराणों में कहीं किसी को भी दुख देने की बात नहीं है। हम इतना ही मानते हैं कि शंकराचार्य स्वरूपानंद जी की बात को इस अंदाज से या इस रवैये से ना देखा जाए कि वो सनातन धर्म से लोगों को अलग करना चाहते हैं या साईं भक्तों को ये सिखा रहे हैं कि वो अपने आप को भगवान से न जोड़े। वो ये चाहते हैं कि अगर कोई ये चाह रहा है इस बात कि वो सनातन धर्म होने के भगवान थे ही नहीं, उनके मंदिर न बनाए जाएं, उनको भगवान न माना जाए, साईं भक्त अगर ऐसा कर रहे हैं, प्रकाशित करना चाहते हैं, तो वो डुबकी लगाएं गंगा में, ये तो सीधे आस्था को चुनौती देना हो गया ना उन लोगों की। नहीं चित्रा जी, उन लोगों की चुनौती को देना नहीं है। जब गंगा को मानने वाला कोई होगा, जब राम को मानने वाला होगा कोई, जब कोई पुराणों को मानने वाला होगा जी, तो वो इस परंपरा में, ऋषि मुनि परंपरा में, इस कलयुग में जन्मे हुए को भगवान अपने स्वयं आस्था से तो मान सकता है, लेकिन सनातन पद्धति से ना वो भगवान मान सकता है और ना सनातन पद्धति से उसको भगवान की तरह उपमा या पूजा करने के लिए दी जाएगी। आपकी ओर से कही गई है, इसका हम जवाब ले लेते हैं। संजय काले जी, आपसे सीधा सवाल यही है कि क्या आप लोग सनातन धर्मी नहीं है? क्योंकि सनातन धर्म में इस बात का जिक्र नहीं है, साईं का जिक्र वहां पर कहीं नहीं आया है कि कलयुग में इस तरह का कोई भगवान अवतरित होगा इस संसार में। संजय काले जी, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे?
उन तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अशोक खांबेकर जी का हम रुक कर लेते हैं। अशोक जी, अगर आपको मेरी आवाज मिल पा रही हो तो आपसे मेरा सीधा सवाल यही है, साईं को मानने वाले क्या सनातन धर्म में नहीं है? अशोक जी नहीं बोले, मैं बोलने जा रहा हूं। मैं बताता हूं, बोलिए स्वामी जी। अशोक के बारे में बताता हूं जी, बताइए। सुनिए ऐसा देखिए, अशोक जी ने अभी एक बात कही थी तो मैं साईं सचरित सीडी से जो प्रकाशित हुआ है उन्हीं से जवाब दिए देता हूं आपके सवाल का, कि बाबा शुद्ध सनातनी थे। एक बार बाबा अपने भक्त मालसा पति के साथ में बैठे हुए थे तो उन्होंने कहा, चावड़ी में मेरा जन्म पाथरडी के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, मेरे माता पिता ने मुझे बाल्यावस्था में एक फकीर को सौंप दिया था। ये ब्राह्मण हैं, ये शुद्ध ब्राह्मण हैं, ये ब्राह्मण हजार लाखों मनुष्यों को पथ प्रदर्शन कर सकता है और उनको अपराध की प्राप्ति करा सकता है। ये ब्राह्मण इसकी मस्जिद है, यहाँ किसी वाम मार्गी की छाया नहीं पड़ने दूंगा। ये बाबा ने ये साईं चरित्र में छपा हुआ है, लिखा हुआ है सातवें अध्याय में। एक दूसरी बात, जो मंदिर है, सुनिए, जहां मंदिर है वहां आरती होती है, वहां ओम जय जगदीश सरे से आरती शुरू की जाती, काकड़ आती और वहां पर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया जाता है, वहां नियमित रूप से सत्यनारायण की कथा की जाती है, तो वो जो सनातनी तो क्या है बताइए आप? बताइए, सनातन धर्म में जो चीजें होती है वहां हो रही है। बाबा की, अरे प्रज्ञानंद जी, बाबा की सुन्नत नहीं हुई थी? सुनिए, बाबा की महाराज 168 नंबर पेज खोलो, साईं चरित्र का, नाना साहब चरित्र का 168 नंबर पेज खोलिए। और सुनिए मेरी बात, बोलिए प्रज्ञानंद, मेरी बात सुनिए पहले। साईं चरित्र का पेज नंबर 168, मेघा का निर्वाण, उसके अंदर मेघा के निर्वाण में वो लिखते हैं कि जब उसके मेघा का परिचय बाबा से करा देना शिरडी पहुंचने पर, जब वो मस्जिद में घुसा तो बाबा अत्यंत क्रोधित होकर उन्होंने मस्जिद में आने की मनाही कर दी और वे गर्जन करने लगे, इसे कहा तो फिर मेघा की ओर देखकर कहने लगे, तुम उच्चकालीन ब्राह्मण हो और मैं नीच जाति का यवन, तुम्हारी जाति भ्रष्ट हो जाएगी। पेज नंबर 168 भगवान और हनुमान जी बोलते हैं, प्रातः जो नाम हारा हारा तो क्या छोटे हो गए? ये तो उन्हें अपनी विनम्रता का परिचय दिया है, उन्हें अपनी विनम्रता का परिचय दिया, उन्होंने ये नहीं कहा इसका तिली लगाया जाना चाहिए। ठीक बात, नहीं नहीं, अब आप सुनिए, शंकराचार्य जी ने साईं बाबा की बात को ही आगे बढ़ाया। सुनिए मैडम, ये जो सुनिए, बात पूरी की बात करते हैं, मंदिर है, मंदिर एक बार और हम कोशिश कर लेते हैं शिरडी चलने की, एक बार हम फिर से कोशिश कर लेते हैं शिरडी चलने की। ये जो नोट है, आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रज्ञानंद स्वामी नॉट ऑथराइज्ड पर्सन हियर। यस जी अशोक मैडम, आप अपनी बातें रखिए। स्वामी प्रज्ञा, हाँ एक मिनट मैडम, नहीं नहीं मैडम, मैं बोल रहा हूँ, ये स्वामी प्रज्ञानंद जी जो साकेत में उन्होंने साई बाबा का मंदिर बनाया है, उन्होंने कहा है कि साई बाबा का जन्म गांव पाथरी है, महाराष्ट्र में परवणी गांव। स्वामी जी को मालूम नहीं है कि साई बाबा का पाथरी गांव नहीं है। और दूसरी एक बात है कि साई बाबा ने अपने जीवन काल में जब शिरडी आए 1858 में, जब तो शिरडी आए तब उन्होंने यहाँ किसी को बताया नहीं कि मैं कहाँ से आया, कहाँ करने वाला, मेरा जन्म कहाँ हुआ, मेरा धर्म क्या, मैं कौन से जात का हूँ, धर्म कोई भी बताया नहीं है। और साई बाबा का, स्वामी जी प्रज्ञानंद कहते हैं कि साई बाबा का पहला नाम हरिभू है, ये गलत है। साई बाबा ने कभी भी कहा नहीं कि मेरा नाम हरिभू है। जब साई बाबा शिरडी आए तो स्वामी जी मेरी बात सुन लीजिए, जब साई बाबा शिरडी आए और वो खंडवा मंदिर में चला गए, वहाँ के पुजारी जो मानसापति मानसापति उसके बाद उनको साई बाबा का नाम मिला है। लेकिन ये हरिभू हरिभू बिरू जो आपने, ये जो बातें आपने अपने दिमाग से निकाली है सही नहीं है। और दूसरी एक बात, ये चैनल वालों ने बताई, चैनल वालों ने साई बाबा के जरूर भक्त है, लेकिन स्वामी जी ने साकेत में साई बाबा का मंदिर बनाया, इसका मतलब ये नहीं कि स्वामी जी कुछ भी आप बता देंगे
साई बाबा के सत्र में कहाँ लिखा है आप दिखाओ कौन से लेकिन किताब अशोक जी यहाँ पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं उस पर आपका क्या कहना है साथ में अध्याय में पढ़ लीजिए नहीं नहीं हमें हमें वक्त देना चाहिए मैडम मैडम मुझे वक्त दीजिए हम बिल्कुल हम सुनेंगे हम सभी सवाल के जवाब देंगे ना लेकिन क्या है ये जो स्वामी प्रज्ञानंद जी है वो स्वामी जी ने मंदिर बनाए ठीक है साकेत में लेकिन कुछ गलत बातें नहीं बताना चाहिए साहिबों के बारे में मैं 45 वर्ष से आ रहा हूँ सातवें अध्याय में सातवें अध्याय में लिखा है स्वामी जी बताए कौन सा जो कि बाबा के स्वामी जी आप मुझे भी जानते हैं मैं भी आपको जानता हूँ लेकिन साई बाबा जाते हैं उस पर साई चरित्र को जब मैं भी पूरा पढ़ूंगी बाद इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे अशोक शंकराचार्य जी ने जो बातें कही हैं साई बाबा को लेकर और उनके भक्तों को लेकर कि साई समर्थक जो हैं जो प्राश्चित करना चाहते हैं और आगे पूजा नहीं करना चाहते हैं ऐसे बहुत सारे लोगों ने उनसे संपर्क किया है और उन्होंने प्राश्चित के लिए उपाय बताए हैं गंगा में डुबकी लगा लो और एकादशी का व्रत कर लो और ये साफ साफ कहा है कि दरअसल साईं को मानने वाले सनातन धर्मी नहीं है इस पर आपकी टिप्पणी मैं चाहूंगी ये जो व्रत बोले हैं ये सब साईं बाबा ने ही बोले हैं नहीं मैडम क्या है कि ये जो स्वामी जी स्वामी जो है जगत गुरु जिसे कहते हैं जगत गुरु का मतलब क्या होता है जगत का मतलब जग वर्ल्ड वर्ल्ड ये जग का गुरु है लेकिन ये जगत गुरु को कैसे पता नहीं साईं बाबा कहाँ करने ये हिंदुस्तान के भारतीय संस्कृति उसका सुनी 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 नहीं वो कुछ भी बोलेंगे स्वामी जी कुछ भी बोलेंगे लेकिन देखिए हिंदुस्तान की आबादी 100 करोड़ है और यहाँ भगवान 33 करोड़ माने जाते हैं इसके बारे में इनको पता है कि जगत गुरु शंकराचार्य जो कुछ भी बकवास करते हैं स्वामी जी और चिल्ला तो उनका ये कितना है उम्र 55 का और दिल बच्चन उम्र 55 का और दिल बच्चन का ऐसी बातें करते हैं उनको बोलिए तुमने कभी उनके आपके लाइफ में कभी आपने शिरडी देखी है क्या शिरडी कहाँ है महाराष्ट्र में कहाँ है शिरडी आपको पता है क्या शिरडी शिरडी का पूरा नाम पता नहीं है और स्वामी जी आप गलत बातें करते हैं और आप बार बार बताते हैं एक बार तुम शिरडी आ जाओ हम आपको बता देंगे संजय काली जी शंकराचार्य जी की ओर से एक और बयान दिया गया है उन्होंने कहा है कि कुछ फर्जी मुसलमानों को खड़ा किया जाता है शिरडी में ताकि हिंदू मुसलमान एकता की मिसाल को कायम किया जा सके और इस तरह की वहाँ व्यवस्था की गई है इस पर आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे कुछ नहीं है ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे मुसलमान भक्त हर दिन सुबह 9:45 के चद्दर चढ़ाते हैं शाम में दर्शन में आते हैं मस्जिद में भी आते हैं जिसको अभी चावड़ी बोलते हैं हम चावड़ी के बाजू में भी बैठे हैं यहाँ पे मुसलमान भाई भी है ऐसा कोई ऐसा के साथ है ना साईं बाबा किसी एक जमात के नहीं है सबके लिए है सब धर्मों के मंदिर में भक्त आते रहते हैं मेरा ये मेरा सवाल पहला है ये शंकराचार्य को ये इनके मंदिर में जो सोना चढ़ता है जो पैसा चढ़ता है जो काजू बादाम चढ़ते हैं उसका अकाउंटिंग कहाँ है ये पैसा कौन खाता है ये पैसे कहाँ जाते हैं हमारा साईं बाबा संस्थान का पूरा ऑडिट होता है पूरे ऑडिट में सभी भक्तों के सामने पूरे देश के सामने ये रखा जाता है कि ये रखा जाता है ये टीवी चैनलों में दिखाया जाता है कि काउंटिंग कैसी होती पैसे काउंटिंग क्या होती है लेकिन आज तक मैंने इस बात पर भी लग रहे हैं और शंकराचार्य ने सीधे सीधे सवाल यही खड़े किए हैं कि दरअसल इसका विस्तार इसलिए हो रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा पैसा ट्रस्ट में होता है और ट्रस्ट सही जानकारी नहीं दे रहा है शंकराचार्य बनाते हैं वो पीठ होती है मेरी बात मंदिर भी बनाते हैं शंकराचार्य कागज पे कागज पे चाहिए कागज पे कागज कोई निकलता नहीं है कोई कागज नहीं शंकराचार्य का कोई अधिकार नहीं हमारे बाबा ने आपको श्रद्धा और सबूरी सिखाया है हमारे बाबा ने अपनी श्रद्धा और सबूरी श्रद्धा और सबूरी से ले रहे हैं आप गलत बातें करके पूरे देश को गुमराह कर रहे हैं भक्तों के खिलाफ कोर्ट का बता रहे हैं आपको ये मालूम नहीं है आपको ये मालूम नहीं है साईं बाबा ने एकादशी का व्रत रखा था साईं बाबा एकादशी का व्रत करने का संदेश जनता को देते थे उनकी भाषा तो देखिए यही सिखाया गया आप उनकी बात तो सुनिए एक बार हम ओंकारानंद जी स्वामी ओंकारानंद जी
आपसे मेरा ये सवाल है और मैं एक प्रश्न जाइए ना, जो सवाल है एक बार सवाल पूछ लीजिए स्वामी ओंकारानंद जी से, ही मेरा सवाल है। संजय काले जी आती हूँ मैं आपके पास। एक दिया पानी पे जला के दिखाओ जी। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद जला देगा, मेरा सवाल तो सुनने दीजिए स्वामी ओंकारानंद जी आपसे सवाल है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और हनुमानगढ़ी के महंत ज्ञानदास ने कहा है कि शंकराचार्य की याददाश्त कमजोर है, सरकार को तुरंत उन्हें जेल में बंद कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि शंकराचार्य की टिप्पणी धार्मिक नहीं बल्कि लोगों को जाति पाति में बांटने वाली है। ये बयान हनुमानगढ़ी के महंत ज्ञानदास का है। एक न्यूज़पेपर से बातचीत करते हुए उन्होंने इस बात का जिक्र किया है। आपको लगता है क्या, आपको नहीं लगता कि अलग अलग एक ही धर्म को मानने वाले, सनातन धर्म को आगे ले जाने वाले, उसकी रक्षा करने वाले लोगों में ही दो फाड़ देखी जा रही है? चित्रा जी, दो मिनट का मौका मिल जाए, पहले शांति से सब लोग अपनी अपनी बातें कहें। इस तरह से अव्यवहारिकता करते हुए इतने बड़े चैनल के माध्यम से संजय साईनाथ जी हों, चाहे अजय गौतम जी हों, चाहे खापेपर जी हों, जितने लोग हैं कम से कम शालीनता से अपनी बात को रखें। ना साई का ये चरित्र रहा है, ना भगवान राम का ये चरित्र रहा है, ना उनके अनुयायियों का ये चरित्र होना चाहिए कि इस तरह से वार्ता करें। आप शंकराचार्य शंकराचार्य संबोधन कर रहे हैं, शंकराचार्य जी कहिए, साईं बाबा को हम साईं बाबा कह रहे हैं, हम कहां उनको साईं साईं कर रहे हैं। कम से कम इतना संबोधन का ध्यान रखा जाए, एक बहुत बड़े मंच पर बैठे हैं आप लोग। दूसरी बात, ज्ञानदास जी महाराज ने जो भी कहा है बिल्कुल अनैतिक कहा है। जाति धर्म से बचाने के लिए ही सनातन ने अपनी परंपरा को स्थापित किया है। अनेका अनेक जाति धर्म सब सनातन में जाके ही विलय हो जाते हैं और सनातन से ही प्रकट होते हैं। किसी भी धर्म को, किसी भी जाति को, किसी भी संप्रदाय को सनातन कभी दूषित नहीं करता है, सनातन कभी अपने से अलग नहीं मानता है। जो भी जिसकी पूजा आराधना करता है उसको स्वीकार किया जाता है, सनातन हर आदमी स्वीकार कर सकता है। बात है परंपरा की। अभी किसी ने कहा साईं चरित्र में लिखा है कि वो मुसलमान है, कोई कह रहा है हिंदू है। आज तक यही नहीं पता चल पा रहा है कि साईं बाबा हिंदू थे कि मुसलमान थे। उनके यहां मुसलमान भी आते थे, हिंदू भी आते थे। आज तक कितने मुसलमानों ने हजार करोड़ रुपए की जकात को दे दिया है साईं शिरडी ट्रस्ट में या और साईं ट्रस्टों में? सिर्फ हिंदू सनातन धर्मियों का पैसा लग रहा है। इंसान थे, अगर हिंदू मुसलमान न बांटकर सिर्फ इंसान की हम बात करें और उनके धर्म गुणों को देखकर उनके अनुयायियों की तादाद लगातार बढ़ती चली गई, क्या ये अपने आप में काफी नहीं है? चित्रा जी उनकी बात, चित्रा जी उनके गुणों से ही जी, चित्रा जी मेरी बात पूरी हो जाने बिल्कुल दे। अपनी बात उनके गुणों से ही हम भी उनका सम्मान करते हैं, उनके गुणों से हम भी उनसे प्रेम करते हैं। हमारे यहाँ भी कुछ शिष्य ऐसे हैं जो साईं बाबा को मानते हैं, हम ये नहीं कहते कि वो साईं बाबा को मानना बंद कर दें, लेकिन जो परंपरागत सनातन श्रुति है, जो सनातन धर्म है, उसमें कहीं नमक और मीठा एक बराबर का ना रखने लगे। नमक है तो नमक है, मीठा है तो मीठा है। साईं बाबा हमारे लेकिन शंकराचार्य जी की ओर से कहा यह गया है कि हिंदू धर्म को खतरा है, ब्रिटेन के लोग साजिश रच रहे हैं, ये उनका पहला बयान था जिसके बाद इतना बड़ा बवाल मचा। आपको लगता है क्या कि साईनाथ को पूजने वाले जो लोग हैं वो हिंदू धर्म के लिए खतरा पैदा रहे हैं? ये उनका पहला बयान था जिसके बाद इतना बड़ा बवाल मचा। आपको लगता है क्या कि साईनाथ को पूजने वाले जो लोग हैं वो हिंदू धर्म के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं? नहीं चित्रा जी, ये बात का ही मैंने विरोध किया था। मेरा स्वरूपानंद शंकराचार्य से और कोई विरोध नहीं था, आपके चैनल पे ही नहीं अन्य चैनलों पे ही मैंने यही कहा। उनका तरीका ठीक नहीं था, उनको ये सब बातें नहीं कहनी चाहिए थी जो कि कहीं ना कहीं आस्था का केंद्र बना हो और उसमें सीधे आघात करता हो। हमें अपनी परंपरा को बताना है, हमारे सनातन धर्म में साईं बाबा नहीं है, बस हमें इतना कहना है। और वो नहीं है और न कभी हो सकते, न कभी उनको रखा जा सकता है। इलाज किया जाता है अस्पताल में, यहाँ पे बाबा पहला इलाज करते थे, बाबा को इलाज करते थे और आज भी वही होता है यहाँ पे। एक ही एक आदमी से होता है और ये पैसा धर्म प्रचार के लिए नहीं लगता जाता, ये सभी पैसा जनता के लिए खर्चा होता है, भक्तों के लिए खर्च होता है। और ऐसा 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 काम करने वाले साईं बाबा के ऊपर कोई कीचड़ उछालेगा तो उसको उसका हम निषेध करते हैं, निषेध करते रहेंगे और करते ही रहेंगे। अजय गौतम जी, आपका तो ये जो बयान है शंकराचार्य का, अगर कहीं पर कुछ अच्छा हो रहा है तो उसको लेकर विरोध क्यों किया जा रहा है? अगर अस्पताल बने हुए हैं, वहाँ पर गरीबों की सेवा की जाती है, तो फिर इस सवाल को लेकर कि दरअसल वहाँ पर कुछ होता नहीं है, पैसों का खुला खेल चल रहा है, इस वजह से साईं बाबा की पूजा बंद होनी चाहिए। बड़ी स्पष्ट बात है, पहले अभी एक सवाल जो आया आपका कि साईं बाबा कौन थे,
जब दोपहर हम थे साईं बाबा कौन थे पर आने की बजाय ये लिखा कहा जाता है दोपहर की आरती में साईं बाबा कौन थे ये पूछने वाले आप कौन हैं उनको कहा जाता है ये भक्त ये भक्त अगर 100 साल में भक्तों ने पूछा तो आप पूछने वाले आपको नहीं पता जो मोमिन का मतलब है कोई अधिकारी नहीं है 100 साल में करोड़ों भक्तों ने दर्शन दिया ये चलिए का सवाल ही नहीं आता आपका मोमिन वंशी है और यमन है तो यमन का मतलब ही हमारे यहाँ विदेशी और यमन के लिए अच्छा एक बात बताइए अजय गौतम जी हिंदू धर्म को खतरा कहाँ पर है साईं बाबा को मानने वाले हिंदू धर्म के लिए खतरा कहाँ पर है आपको दुकानदारी बंद हो रही है हमारे हिंदुत्व का खतरा कहाँ पर है दुकानदारी बंद हो रही है हिंदू भी आते हैं मुसलमान भी आते हैं हम लोगों के लिए नहीं कराते आप सुन तो रहिए कराने वाले यहाँ से साईं बाबा के बारे में करते फुकवाने वाले जानकारी करवाते हैं और आदि को मूर्ति जाने चाहिए आप मूर्ति फुकवाने वाले मूर्ति की बात करेंगे आदि का घर से लोग आते हैं एक और सवाल में ले लीजिए अजय गौतम जी से चलते चलते अजय गौतम जी आगे अजय गौतम जी एक मेरी बात सुनिए एक सवाल हम भी जाएंगे सब जाने वाले हैं अहंकार आप लोगों का किस बात का है एक सवाल में ले लीजिए ठेकेदार बने हुए हो धान के आप लोग दुकान आप लोगों ने चलाया अजय गौतम जी ऐसे मत करो दुकान आप लोग मत करो दुकान चलाते हो यार दुकान चलाते हो आप जो साईं बाबा का मजाक बना के रखा हुआ है एक आवाज सुन रहे हो आवाज बन रही है हमारी आवाज गौतम जी आपसे मेरा ये है आचार्य रजनीश को उनके समर्थकों ने भगवान बना दिया आपने मुझे बुलाया तो मुझसे भी सवाल नहीं मैं बिल्कुल आपसे सवाल स्टूडियो चलाएंगे आप मुझसे भी सवाल किया हनुमानगढ़ी के महंत ज्ञानदास जी ने कहा है कि शंकराचार्य की याददाश्त दुरुस्त नहीं है बिल्कुल सही कहा है मैं उनकी बात का समर्थन करता हूँ दूसरी बात कि बाबा सनातनी नहीं थे मैं कहता हूँ कि बाबा सनातनी नहीं थे बाबा ने कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ हमारे जैसे जो करोड़ों भक्त हैं उनको भगवान मानते थे हैं और रहेंगे लेकिन रह गई बात कि आप लोग आप चुप रहिए आप विरोध जताकर तोड़फोड़ ये तो कोई तरीका नहीं होगा ना संजय शंकराचार्य जी एक बार बोल रहे हैं एक बार बोल रहे हैं संजय साईनाथ जी झूठ बोल रहे हैं श्रेणी छत्र का एक बार श्रेणी छत्र का दुनिया का देश से मौजूद है क्या बोल रहे हैं साई चरित्र का अध्याय तीन कोटि की यात्रा कर रहे हैं बहुत देश से हमारे साथ लोग बने हुए हैं आप खुद साईनाथ का साथ अशोक जी आप लोग झूठ बोल रहे हैं आप लोग ठेकेदार बने बैठे हैं आप किताब लेकर आपके पास कोई नहीं है हमारे हाथ में कोई सनातनी किताब नहीं है मैं विष्णु पुराण लेकर नहीं आया हूँ साईं मैं रामायण भक्त हूँ झूठ बोल रहे हो अपने नाम क्या है साईनाथ लगा रहे हो अपने आप को साईं बाबा के बराबर किताब लेकर आए हैं आप एक बार फिर से क्या कहते हैं आपका यही काम है आप रोजगार बना दिया है इन सब आप लोगों से हाथ जोड़कर झूठ बोल रहे हैं आप शांत हो जाएंगे तो हम एक बार झूठ बोल रहे हो और इस आपका काम है मेरा कोई काम नहीं है आप लोग लोगों की आस्था के साथ खेल रहे हो आप खेल रहे हो आप देखिए कैसे हमारी सजा आपको देखिए देखिए साईं बाबा को साईं दुर्गा साईं लक्ष्मी बना बना के साईं दुर्गा साईं लक्ष्मी बना बना के भक्ति के प्रकार क्या होने चाहिए एक बार चित्रा जी अशोक खामेकर जी संजय काली जी भी बहुत देर से हमारे साथ हैं हम भक्ति करेंगे हम साईं बाबा की भक्ति करेंगे लेकिन सवाल ये है कि आगे आप लोग क्या करने वाले हैं भक्ति के प्रकार क्या होने चाहिए भक्ति के तरीके क्या होने चाहिए चित्रा जी अजय गौतम जी एक बार उनका जवाब ले लेती हूँ एक बार जवाब मैं ले लेती हूँ यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे क्योंकि शंकराचार्य ने साफ कर दिया है कि वो बात पर कायम है और अगर लोगों को प्रायश्चित करना है तो वो मेरे पास आए मैं उपाय बताऊंगा आगे आप लोगों का कदम क्या रहने वाला है इनका मार्केटिंग खत्म हो गया है इसके मार्केटिंग के लिए भक्तों को बुला रहे हैं प्रायश्चित के लिए इनके पास कोई कुत्ता भी जाता नहीं आजकल इसलिए तो शंकराचार्य का पीठ पूरे हिंदुओं को मालूम नहीं है ये हिंदुओं को मालूम करने के लिए इन्हें जनता में आना चाहिए जनता की सेवा करना चाहिए आपके साईं भक्त ने की कमी ऐसी आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया मैं अदा करना चाहूंगी वक्त की कमी ऐसे बहुत शुक्रिया लेकिन शंकराचार्य जी की ओर से जो बातें कही गई हैं जाहिर तौर पर उस पर बहस होती रहेगी लेकिन सच्चाई ये भी है कि आस्था को किसी पर थोपा नहीं जा सकता है और जिस सनातन धर्म का जिक्र बार बार हो रहा है दरअसल उस सनातन धर्म का न आदि है न कोई अंत है एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे खबरें इंडिया न्यूज पर लगातार जारी है।